हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं जो डेटा साइंस का जो है पूरा फुल कोर्स यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ, तो एक तो उसी के रिगार्डिंग यह मेरा दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक मैंने एक्सेल पूरा कवर कर दिया है नॉर्मल। तो अगर आपको एक्सेल में अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप वह 4-5 वीडियो 6 वीडियो होगा तो जो है वह वीडियो सारा वॉच करें। और शॉर्ट्स पे जो है मैंने सारा इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन एक्सेल के रिगार्डिंग डाल दिया है कि आपका एक्सेल का फंक्शन वाला क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आपको पाइवट टेबल का जो है एक्सेल के लिए वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं पाइवट टेबल का भी वीडियो आपके लिए बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए अभी जो है हम लोग जो पाइवट टेबल, तो हम लोग को उसके लिए पावर बीआई अलग से सीखना पड़ेगा, तो इसी कारण से मैंने उस पर पाइवट टेबल नहीं बताया। तो यह हमारा तो जो है आज से मैं जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम एसक्यूएल होगा, और यह हम लोग डेटा साइंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी कारण से मैंने एसक्यूएल इन डेटा साइंस लिखा है। तो आप यह वाला सीरीज में आप बेसिक टू एडवांस तक जो है सीख जाएंगे। एसक्यूएल का पूरा चीज आपको मैं कवर करने वाला हूँ, तो बस वीडियो को पूरा एकदम फुल वॉच कीजिए और इसका आने वाला हर एक वीडियो को फुल वॉच करके अपना जो है एसक्यूएल का टॉपिक को पूरा कंठस्थ कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमें जो एसक्यूएल में समझना है, एसक्यूएल में समझने के लिए डेटा और डेटाबेस क्या है यह आपको आना चाहिए। ठीक है, तो डेटा क्या है? डेटा इज ए इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट एंड नंबर विच इज यूज टू एनालाइज समथिंग एंड मेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजन। मतलब डेटा किसी भी प्रकार के एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है जो कहीं से भी हमें मिल सकता है। डेटा किसी भी प्रकार का नंबर हो सकता है, या किसी भी प्रकार का फैक्ट हो सकता है, या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन भी एक तरह का डेटा सेट है, डेटा है। और जैसा कि जो है कंपनी में जो है मतलब कि जो कंपनी का जो है जो एम्प्लॉय लोगों का जो डिटेल है वह क्या है? डेटा है। ठीक है, तो जो है फिर जाकर कंपनी का एम्प्लॉय का डिटेल हो गया डेटा। फिर जाकर मतलब बोले तो पूरा भारत, पूरा दुनिया में अभी के समय में लाखों करोड़ों में जो है डेटा जनरेट हो रहा है, तो उसी को जो बोलते हैं डेटा की। डेटा के अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसा कि आपको पता होगा कि या नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक डेटा सेट का दरकार है, और उस डेटा सेट में जो डेटा रहेगा वह रियल डेटा उस पर इनपुट किया जाता है। तो इसी कारण से डेटा अभी के समय में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसी कारण से आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डेटा, तो आपको जो है सिंपली इस टाइप में डिफाइन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेटाबेस क्या होता है। आपको डेटाबेस पता होना चाहिए तभी आप जो है मतलब एसक्यूएल का जो है समझ पाएंगे कि जो एसक्यूएल किस तरह से वर्क करता है और कहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, और क्यों वर्क करता है एसक्यूएल, एसक्यूएल हमें क्यों जरूरी है। ठीक है, तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। इसका मतलब होता है कि डेटाबेस एक तरह का डेटा को स्टोर करने का एक जरिया है। जैसे कि जो है आप जो है स्कूल का डेटा किसमें स्टोर करते हैं, जैसे कि आप जो है किसी भी चीज़ में जो है मतलब रजिस्टर में, तो आपका हो गया रजिस्टर एक तरह का डेटा सेट है, डेटा बेस है। ठीक है, कि उसके अंदर हमें सब स्कूल स्टूडेंट का डेटा लिखे रहता है, प्रेजेंट है कि एबसेंट है। ठीक है, तो जैसे वैसे ही कंप्यूटर में डेटा बेस होता है कि आप कंप्यूटर में स्मॉल डेटा स्टोर इन फाइल सिस्टम, लार्ज डेटा स्टोर इन कंप्यूटर क्लस्टर एंड क्लाउड स्टोरेज। जैसा कि आपको पता है आप अपने जो है लैपटॉप पे किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज इंस्टॉल करते तो उसका एक डेटा क्रिएट होता है और वह कहीं ना कहीं आपके ही सिस्टम स्टोरेज के अंदर रह जाता है। तो मतलब इस टाइप के डेटा जो है हमारा फाइल सिस्टम में जाकर रहता है। और जब हमारा लास्ट डेटा जैसे कि सोशल मीडिया का डेटा हो गया, इंस्टाग्राम का डेटा हो गया, यूट्यूब का डेटा हो गया, टेलीग्राम का डेटा हो गया, ट्विटर का डेटा हो गया, तो यह सब के डेटा हमारा जो है कंप्यूटर क्लस्टर और क्लाउड स्टोरेज टाइप के में स्टोर रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है डेटाबेस को प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे कि जो डेटाबेस क्या है, क्योंकि डेटाबेस आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि जो यह एक प्रकार का हमारा नल है। ठीक है, अभी हम डेटाबेस को समझ रहे हैं, तो यह हमारा एक प्रकार का नल है, यह हमारा एक प्रकार का टब है। ठीक है, तो डेटाबेस हमारा किस तरह से वर्क करता है ना, डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना रहता है, मतलब डेटा डालना रहता है। तो देख सकते हैं कि यह पानी में से जो है यह बिंदु बिंदु करके यह बाल्टी भरेगा, तो वह आप उसे इमेजिन कर सकते हैं कि यह हमारा एक तरह का डेटा है। ठीक है, कि जो बिंदु बूंद भर भर के या बाल्टी को भर देगा तो यह हमारा डेटा है। और डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस हमारा जो है
इस बाल्टी को ही हम लोग डेटाबेस बोलेंगे, जहां पर ये पानी स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक पानी स्टोर होता है टब में और एक जो है पानी आता है, तो यह देख सकते हैं यह डेटा कलेक्ट होके आ रहा है और इसमें से टुक टुक करके निकल रहा है, वह हमारा डेटा हो गया और यह जो बाल्टी हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जो है डेटाबेस क्या है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक को जो कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, डेटाबेस आशा करते हैं कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो डेटाबेस क्या है। डेटाबेस सब सिंपल भाषा में बोले तो डेटा को कलेक्ट करने का जो जरिया है, जो टब पे जो डेटा क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग जो है डेटाबेस बोलते हैं, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। ठीक है फिर, तो अब हम लोग जो एसक्यूएल सीखेंगे कि जो एसक्यूएल क्या होता है, क्योंकि यह टॉपिक जो हमारा एसक्यूएल पे है, तो इसी कारण से हम लोग एसक्यूएल जानना जरूरी है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो इतना सारा जब डेटा क्रिएट होगा डेटाबेस में, आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे, तो इसमें से कुछ कुछ डेटा जो रहेगा ना, वह डेटा आपका जो है क्लीन नहीं रहेगा, मतलब कि बेकार टाइप का डेटा रहेगा, नाम मिस्टेक रहेगा, कहीं कहीं हड़बड़ी में लिखने में कभी कभी आप एक्स्ट्रा कॉमा दे देंगे, कभी कभी गैप दे देंगे आप एक्स्ट्रा। तो वह सब डेटा को हैंडल करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए हम लोग एसक्यूएल जैसे जो है लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो हमारा होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, यह एक प्रकार का डोमेन लैंग्वेज है और इसे हम लोग मैनेजिंग और मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटा को मैनेज करने के लिए, और उसको जो है मैनिपुलेट मतलब कि उसको जो है किसी भी प्रकार से देखने के लिए मैनिपुलेट करना, डेटा क्लीन करना, इस टाइप में आप बोल सकते हैं कि जो उस वह हमारा वर्क करता है। एसक्यूएल प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वे टू इंटरैक्ट द डेटा स्टोर इन डेटाबेस, इनेबलिंग यूजर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर इन डेटाबेस। सिंपल सा में कि जो एसक्यूएल हमें जो है रिलेशनल डेटा पे जो है वर्क करने के लिए पूरा अनुमति देता है कि आप उसमें से जो चीज रिट्रीव करना चाहते हैं, जो चीज को मैनेज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप आसानी तरीका से उसमें जो है आप कर सकते हैं। आप एसक्यूएल में आप जो चीज निकालना चाहते हैं वह चीज आप निकाल सकते हैं, बस आपको क्यूरी लिखना रहेगा। ठीक है, तो एसक्यूएल में ही अगला टॉपिक हमारा आता है टेबल, कि टेबल क्या होता है। जैसा कि एसक्यूएल में हम लोग जो भी चीज हमारा निकलेगा ना, वह टेबल फॉर्मेट में निकलेगा, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट फॉर्मेट में निकलेगा, वह हमारा टेबल फॉर्मेट में निकलेगा। तो टेबल क्या है, ए टेबल इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच कंप्राइज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब टेबल में हमें रोज एंड कॉलम्स का जो है कंपेरिजन मिलेगा, कंपिटिशन मिलेगा, जिसमें आपको रोज दिया रहेगा और कॉलम दिया रहेगा। मतलब इस टाइप के जो है डेटा में जो है रोज रहेगा, एक दो तीन इस टाइप में कॉलम, और इस टाइप के डेटा सेट में रोज रहेगा। ठीक है, तो हमारा एक ही डेटा सेट रहेगा, उसमें हमारा रो और कॉलम दोनों कंबाइन रहेगा। ठीक है, और आपसे पूछे कि भाई रिकॉर्ड क्या होता है, कि रिकॉर्ड हमारा कुछ नहीं होता है, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड इज बेसिकली नथिंग, इट इज एन इंडिविजुअल एंट्री दैट आर एग्जिस्ट इन ए टेबल। जो आप टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, वही एक प्रकार का रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, और रिकॉर्ड में आपको हर एक आदमी का टोटली डिटेल मिल जाएगा। जैसा कि आपने अगर एक बार किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर दिया, अगर आप दोबारा एसक्यूएल की मदद से उसमें से चेक करना चाहते हैं कि भाई अनिकेत का मतलब कि जो है पूरा डिटेल बताओ, तो आप आसानी तरीका से जो है रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं रखा है, तो आपको इंसर्ट करके उस वैल्यू को रिकॉर्ड करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो जो है हमारा आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था, जिसमें हमने एसक्यूएल सीखा, डेटा सीखा और डेटाबेस सीखा। तो आप हम लोग जो है अगला टॉपिक में देख सकते हैं, डेटा टाइप सीखेंगे, कैसे एक टेबल क्रिएट किया जाता है, यह सब हम लोग आने वाले समय में टोटली चीज सीखेंगे कि आप आसानी तरीके से किस टाइप में सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, कि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए।